ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। गौड़ समाज की राष्ट्रीय बैठक को संबोधित करते हुए उमेश गौड़ ने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है, हम सब एकजुट होकर अपने समाज को आगे बढ़ाएं। बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश एवं बिहार से आए हुए सदस्यों ने अपनी सहमति जाहिर की। हमारे धार्मिक कार्य है, आप किसी अन्य लोगों के द्वारा नहीं कराएंगे, अपने समाज के लोगों द्वारा ही। मेरा नाम शिवानंद गौड़ है, मैं यहाँ पे, हम लोग जो गौड़ समुदाय है, हम लोग जनजाति समुदाय से आते हैं। हम लोग ये कार्यक्रम हर वर्ष जो पूजा गोगो का कार्यक्रम है, ये हम लोग हर वर्ष यहाँ मनाते हैं। क्या खास है इस पूजा में? इस पूजा में हमारा यही खास है कि हम लोग प्रकृति के पूजक हैं और हम लोग प्रकृति की जो है पूजा करते हैं। कितने लोग सम्मिलित होते हैं आज की पूजा में? हमारे यहाँ तो सुबह से मौसम को देखते हुए यहाँ पे कानपुर में काफ़ी लोग आते हैं और सुबह से लोगों का आना जाना लगा रह रहा है। और हमारे जो राष्ट्रीय मुकतिन जी हैं, वो भी आ रहे हैं लखनऊ से। और यहाँ पे हमारे काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, जो बिहार से भी हैं, दिल्ली से भी हैं और हर प्रांत से आए हैं यहाँ। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? पूजा का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ की जो सरकार है, वो हम लोग की जातियाँ जो लुप्त होती चली जा रही हैं, जनजाति, बहुत सी जातियाँ आपने देखा होगा जो लुप्त हो गई हैं। हम लोग, बहुत लोग धर्म परिवर्तन की तरफ कर रहे हैं। हम लोग अपनी जाति को धर्म परिवर्तन ना हो, हम लोग गौड़ समुदाय जो जनजाति के लोग हैं, हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इसकी पूजा हम लोग उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, हम लोग हर प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं। आपके समुदाय के लोग किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैन? मध्य प्रदेश मंडला में। आप अपनी महासभा से क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी जाति के लोगों को? महासभा अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा, हम लोगों, ये हमारी बहुत पुरानी संस्था है। कम से कम ये संगठन का हमारा 1935 में इसका गठन हुआ था और इसका रजिस्ट्रेशन हमारा जो है, जो गवर्नमेंट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 49-50 में, तब से हमारा ये संगठन चल रहा है। हमारा ये बहुत पुराना संगठन है, हमारे पूर्वजों का संगठन है। इसकी को जीवित रखने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम को करते रहते हैं।